बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद अपने घर में यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बर्तन, तो मैं इस वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा। तो ये जब भी आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर भी ये पानी भरा गया है, तो जो इस्तेमाल किए गए थे वहाँ दिखाने जा रहा हूँ। जी, एक यहाँ पर ये देश के इस्तेमाल किया गया था, ये पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको आग पर रखा जाता है। गाँव में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज़ ऐसी बाल्टियाँ, इनमें पानी, इनको पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जी कैन जी, और उसके बाद यहाँ पर दो कैन भी मौजूद हैं हमारे घर में, इनमें पानी डालकर इनको ऊपर बंद कर दिया जाता है, इनको ढकना दे दिया जाता है। और लोटे भी यहाँ पर दो हैं, एक नीले रंग का है और दूसरा ऐसे रंग का। इनमें पानी भरकर ना मुँह धोना हो तो ऐसे कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और दो जो सिल्वर की बाल्टी मौजूद है, एक बड़े साइज की और एक कुछ छोटे की। इनके ऊपर जिस तरह के होते हैं ये ढकने, अभी ये बड़ी बाल्टी है तो उसका ढकना ये भरा होगा, और ये छोटी बाल्टी है तो उसका ये छोटा ऐसा ढकना है। और जैसे इनके हैं और देख सकते हैं ढकने होते हैं जी, मुख्तलिफ रंग के हो सकते हैं। इसका ये सावा रंग का है और ये पीले रंग का ढकना है। जी गांव में ऐसे मट भी इस्तेमाल किए जाते हैं पानी भरने के लिए। भी यहाँ पर एक मट में पानी डाल कर रख दिया है, अब लोग देख सकते हैं। अगर दिखाई दी जाए तो मैं तो दिखा भी देता हूँ, पानी जिसमें ये यहाँ पर डाला गया है। ऊपर से ये ऐसे ऐसे तो ये सुराख होता है, लेकिन ये कपड़े वगैरह से बंद कर दिया जाता है ताकि कोई चीज़ बीच में ना गिरे और पानी साफ टिका रहे। ये मट जी मिट्टी के बने होते हैं और उन्हें काफ़ी सारा पानी में आ जाता है। ये मैं आप लोग दिखाती हूँ कि ये जो बाटी होती है ना, ये इनके ऐसे कुंडे भी लगे होते हैं, ये आसान हो जाती है इनको, फिर उठा जा सकता है ये कुंडे से पकड़ कर। ये आप लोग ले सकते हैं, इसका भी ऐसे कुंडा है और बड़ी बाटी है यहाँ पर सिल्वर के मेरे पास, इसका भी ऐसे बना हुआ कुंडा। ऐसे हो अगर इनके कुंडे लगे होते इनसे ऐसी तो ये बहुत भारी होती, फिर इनको उठाया जा सकता है आसानी से कुंडों की मदद से। तो ये जी मैं आपको दिखा रहा था कि गांव में जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किए जाते बर्तन। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजीद गांव की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।